भगार वाली दही फुल्की बनाने के लिए मैंने ले लिया है एक कप बेसन, नॉर्मल साइज का एक कप है, और हाफ टी स्पून में इसमें ले रही हूँ सॉल्ट, और 1/4 टी स्पून में इसमें ले लूंगी खाने वाला मीठा सोडा जो हम यूजुअली ऐड करते हैं पकौड़ों में, ये 1/4 टी स्पून बस मैं इस तरह से ले रही हूँ। इसको मिक्स कर लूंगी दोनों चीज़ों को, सॉल्ट और सोडे को, और इसमें पानी हम ऐड करेंगे और बैटर बनाएंगे, एक स्मूथ सा बैटर, ना बहुत थिक हो ना बहुत थिन हो, इतना कि आराम से पकौड़े बन जाए। अभी मैं देखती हूँ कितना पानी ऐड करेंगे, अभी बैटर नहीं बन रहा, थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे, ग्रेजुअली ऐड करते जाएंगे इसमें। अभी एक बैटर की शेप में आना शुरू हुआ है, इसमें टोटल मैंने हाफ कप पानी ऐड किया होगा, बड़ा अच्छा सा बैटर बन गया है। सही से इसको करते हैं मिक्स, ये देखें इसकी कंसिस्टेंसी, बहुत ज़्यादा थिक नहीं है बहुत थिन नहीं है। इसको 5 मिनट के लिए रखेंगे अच्छे तरीके से मिक्स करके, इसको बनाते हैं। अब मैं एक चटनी सी बना रही हूँ जो हम इसके दही में मिक्स करेंगे, और थोड़ा सा डिफरेंट बनेगा ये दही फुल्की। तो इसके लिए मैंने ली है 8 से 10 साबुत लाल मिर्च रेड वाली, 3 मैंने ले लिए हैं क्लोव लहसुन के, और 1/2 टीस्पून मैंने ले लिया है सॉल्ट। इसको हम इस तरह से मिक्स करेंगे सारी चीजें, और बिल्कुल थोड़ा सा 3-4 टेबल स्पून पानी ऐड करूंगी, इसको ग्राइंड कर लूंगी। मैंने बस इसमें 3 टेबल स्पून पानी ऐड किया है, इसको अब हम ग्राइंड करते हैं और एक चटनी रेडी हो जाएगी। ये देखें बड़ी स्मूथ सी एक चटनी बनके हो चुकी है रेडी, और ये हम पुलाव के साथ भी खाते हैं, बड़ी अच्छी लगती है ये चटनी, मटर पुलाव या अपनी पुलाव के साथ ही वाली चटनी बहुत अच्छी लगती है। अब मैंने ले लिया है दही, तकरीबन 1 पाव है, 300 ग्राम के बराबर है ये दही, इसको थोड़ा सा इस तरीके से स्मूथ कर लेंगे, और इसके अंदर ये वाली चटनी मिक्स करेंगे, 1 टीस्पून फुल मैं ले रही हूँ, और आप चाहें तो कम भी ले सकते हैं ज्यादा भी ले सकते हैं। इस चटनी के साथ दही को अच्छी तरीके से कर लूंगी मिक्स, और 1/2 टीस्पून में इस दही में भी ऐड करूंगी सॉल्ट, थोड़ा सा 1/2 टीस्पून हमने इसमें भी ऐड कर लिया, चटनी दही सब चीज अच्छी तरीके से कर लेते हैं मिक्स। योगर्ट का कलर बिल्कुल हो चुका है चेंज, अब ये दही बहुत थिक हो रहा है, अभी मैं इसमें पकौड़े बना के मिक्स करूंगी तो ये बहुत थिक होगा, तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करती हूँ, थोड़ा सा इसको पतला करते हैं। देखिए पानी मैंने थोड़ा सा ऐड किया है इसमें 1 कप के बराबर, और थोड़ा सा दही पतला हो गया है। अब हम पकौड़े फ्राई करते हैं, अब मैं ले लूंगी ऑयल, हम कढ़ाई में भी बना सकते हैं इसको, मैं इसको फ्राइंग पैन में बनाऊंगी, और इसको मीडियम फ्लेम पे इसको कर लेते हैं पहले थोड़ा सा गरम, बहुत ज्यादा हाई भी नहीं करना है। अब मीडियम फ्लेम पे हमने इसको गरम होने के लिए रख दिया था, अब देखते हैं कि गरम हो गया है या नहीं। इसको चेक करने के लिए लकड़ी की स्टिक ले ली है मैंने, ये देखें इस तरीके से बबल आना शुरू हो गए लकड़ी की स्टिक में, इसका मतलब है कि ये गरम हो चुका है। अब मैं इसमें पकौड़े ऐड करती हूँ, साथ ही मैंने एक बोल में पानी रख लिया है, अब पकौड़े हम बना के इस पानी में ऐड करेंगे, और फिर फौरन ही 30 सेकंड बाद उस दही में ऐड कर देंगे जो मैंने दही बनाया है चटनी के साथ। दही भी हमारा कितना अच्छा सा रेडी हुआ हुआ रखा हुआ है, बहुत ज्यादा थिक भी नहीं है और न बहुत ज्यादा थिन है। चलिए मैं फुल्किया बनाना शुरू करती हूँ, आप चाहें तो चमचे से भी इसको बना सकते हैं, मैं हाथ से बनाऊंगी, मुझे हाथ से ईजी है। इस तरीके से हम राउंड किसी भी शेप में इस तरीके से डालते जाएंगे, ये खुद ब खुद ऊपर आती जाएंगी। इसको 1 मिनट के बाद जब इसका कलर चेंज हो जाएगा तो फिर मैं इसकी साइड चेंज करूंगी। मैंने इसी साइड को कर दिया है चेंज, अब दूसरी साइड से भी हम 1 से 1.5 मिनट तक बनाएंगे और फिर पानी में डिप करेंगे। अब ये दोनों तरफ से हो गए हैं, देख लेंगे कि कच्चे न रहे अंदर से, और इसको सबको निकाल लेते हैं हम।
तो इसको फौरन ही पानी में डिप कर देंगे, लेकिन बहुत ज्यादा देर के लिए नहीं, इसलिए कि बेसन के हैं टूटेंगे। दाल के हम रख सकते हैं बहुत ज्यादा देर के लिए। इसको मैंने रख दिया है इस तरीके से पानी में। ये देखिए हमने पानी में डिप कर दिए थे, 30 सेकंड हो गए हैं। अब इस तरीके से इसको हल्का हल्का सा हाथ से प्रेस करके हमने दही में इसको रख देना है। ये देखिए टूट भी नहीं रहे। अब ये इस तरीके से मैंने रख दी हैं सारी फुलकियां दही के अंदर जो हमने बनाया था चटनी वाला। अब इसके अंदर हल्का सा एक बघार जाएगा, वो हम बनाते हैं। अब मैंने भगार के लिए 1-3 से 4 टेबलस्पून ऑयल ले लिया है, उसमें मैं 1/2 टीस्पून जीरा ऐड करूंगी। जल्दी से ही इसको हम भगा देंगे।